नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है जी आपका? अनवर हुसैन नाम है मेरा। क्या उम्र है आपकी? 40 बरस का हूँ मैं। और आप क्या करते हैं? यहाँ कॉरपोरेशन में AMTS का ऑफिस है, सिटी बस का, वहाँ मैं प्यून में सर्विस करता हूँ। ये जूते आपने कहाँ से लिए हैं? ये मेरी वाइफ ने बना दिए, स्पाइडरमैन के जूते। क्या करने वाले हैं आप हमारे? यहाँ पे एक डांस सरप्राइज आपको बताऊंगा। अच्छा, तो आप इंग्लिश डांस करने वाले हैं, इंडियन डांस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? मैं ब्रेक डांस करने वाला हूँ। अनवर भाई, आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। अब 40 साल की उम्र में बीवी की बनाई हुई स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में यहाँ पर इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर आकर ब्रेक डांस कर रहे हैं, उसके बीच में वॉक लाइक एन इजिप्शियन कर रहे हैं, कभी डोनाल्ड डक कर रहे हैं, कमाल कर दिया। आप क्या कहेंगे साजिद? मैं आपको उस आउटफिट में देख के कभी मुझे नहीं लग रहा था कि आप 40 साल के इंसान है। आपने कुछ स्टेप्स किए जो 40 साल तो दूर की बात है, 20 साल के बच्चे भी नहीं कर सकते। मैंने आज तक किसी 40 साल के आदमी को ऐसा ब्रेक डांस करते हुए नहीं देखा है। हाँ, अगर मैं 20 साल के या 17 साल के बच्चों के साथ कंपेयर करूं तो हाँ, आपका स्टैमिना कम है। मैं मैडम थोड़ा यहाँ पे थक चुका था सुबह से इधर उधर, अगर मैं फ्रेश मूड से डांस करता तो 100% मैं इतने सालों से करता हूँ, कहीं भी करता हूँ, वंस मोर जाता है, लेकिन मेरा नसीब है ना। नहीं, लेकिन जैसे साजिद ने कहा, लोग मुझे इतनी ताली देते जहाँ भी मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मैं आकर अच्छा किया आपने अनवर भाई, आप दिल छोटा ना करें, बहुत एंटरटेन किया आपने हमें। एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये 40 साल की उम्र होती ही क्या है, ये सब उम्र उम्र की बात कर रहे हैं, व्हाट इज 40? शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन सब 40, सलमान खान सब 40 से ऊपर है भाई। तो 40 साल की उम्र तो कुछ नहीं, दर्द डिस्को कर रहे हैं वो लोग। उम्र की बात नहीं है, दिल जवान होना चाहिए, और आपका दिल वाकई में जवान है, और आपकी बेगम का आपसे भी ज्यादा जवान है जो आपका कॉस्ट्यूम बनाया। चलिए अब आपके लिए वोट ले लेते हैं। साजिद, आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से आपके लिए हाँ है। सुनाली, आप क्या कहेंगी? इस मंच पे जो एक्ट प्रेजेंट किया जाए उसमें थोड़ा और फिनिशिंग की जरूरत है, इसलिए इस बार मैं ना कहूंगी। अनवर भाई, आपको दो हाँ चाहिए, अब आपके पास एक हाँ है और एक ना है। बात आके टिकी है आपकी बेगम की कारीगरी पे। सिर्फ आपकी बेगम के प्यार, इश्क, मोहब्बत की वजह से मैं आपको हाँ कहता हूँ।
मैडम ये इंडिया गोट टैलेंट जो चालू हुआ तब से हम इसका हर एपिसोड देखते थे। हर कलाकार को एक सपना होता है, जैसे बच्चों को हवा में उड़ने का होता है, और आपने प्रिंस एंड ग्रुप को नीचे जमीन पे से डायरेक्ट यहाँ से वहां हीरो बना दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जब भी परफॉर्मेंस देखता था तो मैं रोता था। थैंक यू, आप मुझे ना कहते तो भी मेरे लिए आपके लिए दुआ है मैडम, और हाँ कहते जब भी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप खुश है कि आप अंदर आ गए? हाँ। तो अभी टोपी पहनी और स्पाइडरमैन की तरह निकल जाइए। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक।